नाइस डे। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सो सभी आ गए यहाँ पे एट्थ क्लास। यस यस मैम। सो कैसा रहा आप लोगों का दिन आज का? कैसा रहा सबका दिन? क्लास लेते लेते थक गए, सो आज मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को थकाने के लिए आई हूँ, टायर्ड करने के लिए। एक गेम आप लोगों ने पहले खेला था, ठीक है, इसके पहले जब हमारा सेशन हुआ तो उसके पहले आप लोगों ने और हम लोगों ने एक इंटरेक्शन किया था क्विजेस के साथ, ठीक है। सो आज हमारा एक डे रहेगा जहाँ पर हम वर्कबुक, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास आपके क्लास के लिए कुछ वर्कबुक्स हैं, तो वो वर्कबुक मैं आपको शेयर करूंगी। कॉपी पेन तो होगी आप लोगों के पास इंग्लिश के लिए? यस यू हैव योर कॉपी एंड नोटबुक एंड पेन विथ यू, राइट? दो मिनट लेके आते हैं। सो फटाफट आपको अब लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को आपका जो फर्स्ट चैप्टर है लैंडस्केप, हम उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिस्कस यानी रिविजन स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों के सारे कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अभी क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रिविजन। सो रिविजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कबुक बनाई है। सो वर्कबुक मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को उसमें क्वेश्चन भी लिखने हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपको और कहीं मिलने नहीं वाले हैं। तो वो बनाए हुए वर्कबुक के क्वेश्चंस हैं, सो वो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सब रेडी है लिखने के लिए? मैम आंसर हमें खुद लिखने हैं, आपने लिखा होगा? मैंने वही बता रही हूँ मैम, आंसर उसमें आपको मिलेंगे कम्प्लीटली, मैंने लिखे हुए आंसर है सारे उसमें, ठीक है। वो आंसर आपको शो होंगे, लेकिन इसका ठीक है आपको अभी बेनिफिट मिल रहा है कि अभी आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं वर्कबुक में, लेकिन सेम ऐसे ही क्वेश्चंस के आप लोगों को टेस्ट देने हैं नेक्स्ट सेशन में। कब? फ्राइडे को, ठीक है। नहीं फ्राइडे को नहीं, अब हमारा फ्राइडे को होगा ना मंडे, सेशन मंडे। क्यों फ्राइडे नहीं है? ओके फाइन, सो मंडे को। ओके अच्छी बात है, आप लोग को टाइम मिल गया। सो मंडे को हम लोग क्या करने वाले हैं, यही वर्कबुक ध्यान रखना, मैं अभी से बता रही हूँ, ये जो वर्कबुक आज जो आप लिखने वाले हो कॉपी में, सो वो सारी वर्कबुक की प्रिपरेशन आपको मंडे को करनी है। आपको ओरल तो देना ही है, थोड़ा सा रिटर्न भी देना है, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस ओरल रहेंगे, थोड़े क्वेश्चंस आपके रिटर्न रहेंगे। और मंडे के बाद अब हर फ्राइडे को याद रखना, हर फ्राइडे को हम लोग करने वाले हैं हमारा ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर में आपका एक्टिव पैसिव हो गया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना मैम, वो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्टिव टू पैसिव होता है और पैसिव टू एक्टिव, वो बाकी है। अच्छा ठीक है। हेलो मैम। देखो हाँ हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। स्पाइरल की बात, Your voice is not audible beta, your voice is not clear actually. मैं वो बोल रहा spiral की बात कर रहे हो? What happened? मैं आप spiral की बात कर रहे हो? नहीं, वो नहीं, grammar की बात कर रही हूँ। हर Friday को हम लोग grammar लेंगे हमारा, ठीक है। grammar section में आप लोगों को active voice, passive voice ऐसे करके different जो topics हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे बेटा, आप लोग के क्यूट क्यूट से फेसेस हमें देखने हैं, ठीक है। आप लोग के क्यूट फेसेस देखने चाहिए हमें, आप लोग हाँ सभी स्विच ऑन करो कैमरा के, कैमरा लेट्स स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन। मायत्री, काव्या, यस यस बेटा गुड, मायत्री, जील, देवांश मैम टू मिनट, अभिमान्यु, डू इट बेटा, हर्षवर्धन यू आर नॉट विजिबल क्लियरली, हर्षवर्धन योर स्क्रीन इज ब्लैक,
your screen is black. Do something for this. Okay now. So अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हर फ्राइडे आप लोगों को करना है ग्रामर. ठीक है, व्हाट हर्षवर्धन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग. उसको पता है मैम कि उसकी स्क्रीन ब्लैक है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ब्लैक है? मैं वो अंधेरे में बैठा है. क्यों, आपको लिखना नहीं है हर्ष? मैम वर्धन भी है पीछे. मैम उसको लिखना नहीं है. नो, सबको लिखना है बेटा, सबको लिखना है. डू इट. अरे मैम, मैंने नोटबुक निकाल रहा था. ये मैम कुछ एनीवेज, ओके नाउ अदर्स लिसन. जो यहाँ पर एक्चुअली मैं करना चाह रहे हैं, अभिमन्यु हेचरी नाउ लिसन. सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. आप लोगों के पास कॉपी पेन है, आप लोग सभी लिखना स्टार्ट करेंगे. जहां आपको समझ में नहीं आएंगे वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी लिखे गए वर्कबुक्स हैं. जहां पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओगे. ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कहां कौन सा. ठीक है, वैसे तो फर्स्ट लेसन आप सबका करा हुआ है अच्छे से, काफी आप लोग काफी एक्सपर्ट हो उसमें. ठीक है, सो आप सभी को अभी लिखना, सभी को लिखना स्टार्ट करना है. जल्दी जल्दी सभी लिखेंगे. ओके, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, वेट. ओके, सो नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल ऑल ऑफ यू. स्क्रीन विजिबल फॉर ऑल. मैम ये है हमारे पास, तो मैम मेरे को लिखने का है तुम्हारे पास, इन द सेंस क्या ये वर्कबुक है तुम्हारे पास? यस मैम. हाँ, सो टिक कर लो. जिसके पास, लिसन नाउ, जिसके पास ये वर्कबुक है ना वो टिक करो. ठीक है, अदर्स को तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास ये वर्कबुक नहीं होगी. तो मैम हाँ बेटा, ले ले इसका और आंसर लिखे. सिर्फ स्क्रीनशॉट सब नहीं ले पाएंगे ना बेटा, ये प्रॉब्लम हो जाता है. सब नहीं ले सकते, कोई कोई लैपटॉप से होता है. मैम लैपटॉप में आता है, लैपटॉप में भी आता है. आता है, मैं भी आता है. यस मैम, ले लिया लैपटॉप. नहीं मैम, पीसी में नहीं आता है ना, पीसी में नहीं आ सकता. ओके हाँ, खाली एक ही लैपटॉप. हाँ बेटा बोलो. पीसी में भी आता है. Listen, let them talk, let them talk. Who is having some problem? Yes, wait. Now who is having problem? Tell me. मैम, I want to ask that. मैम, हमारी SA1 का सिलेबस आ गया है ना, तो उसमें हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर है इस बुक में से, वो चैप्टर 2 है. तो मुझे लिखना है चैप्टर 1 का. अभी जो आपको नहीं आने वाला है ये वाला चैप्टर आपको. Yes, मैम, मुझे भी नहीं आने वाला. नहीं नहीं बेटा, लिखना तो ये है कि अभी आपको, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते, क्योंकि सभी बच्चे बोल रहे हैं हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, तो उनको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगा. सो आप जो जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो लोग ले लो जल्दी से. मैम ले लिया. नेक्स्ट, और देवांश के बाद और किसने लिया है, तो हम नेक्स्ट. मैम एक मिनट, रुको 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 रुको. नंग ले लिया. फोटो लेना पड़ेगा. मैम ले लिया. अरे व्योम स्क्रीनशॉट लेके किसी को पेस्ट कर दे. ओके नाउ नेक्स्ट देखते जाओ. नेक्स्ट देखो जल्दी से. फिफ्थ के बाद जो है. मैम फिर से करो ना, एक मिनट. ओके ओके मैम, आप अपना फोन को रोटेट कर दीजिए. नहीं, रोटेट करने से बेटा कुछ लोगों को मेरी स्क्रीन ऑपोजिट दिखेगी. नहीं मैम, नहीं दिखेगी. एक बार करके देखिएगा. देखो अगर किसी को दिख रही हो ऑपोजिट. यस, हेलो, माय स्क्रीन इज विजिबल फॉर ऑल. नो मैम,
मैम फोटो में सीधा ही रखो। मैम मुझे लगा कि वो अपने फोन रोटेट के लिए भी रोटेट हो जाएगा। नहीं नहीं रोटेट में मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है रोटेट में इसलिए। ओके इट्स डन ऑल ऑफ यू। यस यस। ओके नाउ नेक्स्ट देखो जल्दी से क्योंकि मंडे को सेम इसी का ही इसी पैरा का आप लोगों को क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है देख लो जल्दी से ये वाला फिफ्थ से लेके नाइन तक देखा सबने। यस मैम ले लिया। यस मैम ये एमसीक्यूज है। हां ये एमसीक्यूज है। नाउ नेक्स्ट देखो नाइन के बाद टेन जो है टेन के बाद देखो इलेवन। लिया सबने इसका। यस मैम। मैम इसके पीछे वाला करो ना। हाँ ये लो। मैम डन। ओके नाउ सो अभी लास्ट ये देख लो जरा इसके बाद 13 14 है लास्ट ही सेकंड लास्ट है देख लो जल्दी से 12। Done till the 12th. Is it done? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next. Next, mein dekho last MCQs 15 tak hai. 13, 14, 15. Ma'am, humko school mein yahi book hai. हाँ बेटा गुजरात बोर्ड में यही बुक चल रही है सभी को और वर्क बुक में से examinations भी इसी में से हो रहे हैं ठीक है तो इसीलिए मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है आप लोगों का। ओके इट्स डन ये हो गया बेटा। यस मैम। हाँ अच्छा अब आप लोगों को क्या करना है एक क्वेश्चन आएगा देखो यहाँ पे रीड करना है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। सो अब क्या होगा जैसे आप लोगों को जो आप लोगों की चैप्टर में स्टैंजास दिए हैं तो ये स्टैंजा के बाद के कुछ क्वेश्चन दिए हैं रिलेटेड एक्सट्रैक्ट इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है ठीक है। चलो देखो आप ये देख लिया सबने ये क्वेश्चन नंबर टू लिखो सभी ऊपर क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना। ओके हाँ सो क्वेश्चन नंबर टू का जो ये क्वेश्चन है देखो जरा इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है दिख रहा है सभी को आंसर क्लियर। ओके डू इट बेटा जल्दी से। मैम हाँ बेटा बोलो। आवाज ही नहीं आ रही है कौन बोल रहा है कुछ आवाज नहीं आ रही है। वो व्योम बोल रहा है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। बेटा नहीं ये तो बहुत खराब है मैं तो और अच्छा लिखती हूँ बट ये बहुत जल्दी जल्दी मैंने लिखा है विद इन अ 10 मिनट्स यू डोंट बिलीव ऑल मैंने ये 10 मिनट्स में लिखा है इसीलिए थोड़ा सा ये रॉन्ग भी हुआ है बीच बीच में वर्ड्स। 10 मिनट्स लगे हैं मुझे 10 मिनट्स सॉल्व करने में। मैम क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि बेटा मैं खुद पढ़ाई कर रही थी इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट सो मैं खुद स्टडी कर रही थी। स्टूडेंट हो? हाँ सो यू आई जस्ट सॉ द टाइम दैट इट्स 2:30 नो या 3:30 So, मुझे ऐसा लगा कि अभी जल्दी करना पड़ेगा। आई हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट सो आई जस्ट डिड दिस ऑल टास्क विद इन 10 मिनट्स। ओके इट इज कंप्लीट फॉर ऑल। यस मैम। यस मैम। ओके सो नेक्स्ट देखो ये थर्ड और सेकंड और फोर्थ का है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा इसके बाद हम लर्न करने वाले हैं जल्दी से। ओके ठीक है ये हुआ। तो मैम लिखना नहीं है नोटबुक में? अभी तो आप लोगों ने बोला ना स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग तो घर पे लिख देंगे। यस लिखना तो है घर पे लिखना होगा ना अभी। यस हाँ अभी नहीं अभी नहीं अभी तो क्लास में आप लोग ले रहे हो क्योंकि बहुत सारा है इसका सो इसलिए अभी आप सारा एक घंटे में नहीं लिख पाओगे ठीक है। सो मैंने तो चलो 10 मिनट्स में कम्प्लीट कर दिया बट आपकी स्पीड होनी चाहिए उतनी। ओके आपके लिए क्वेश्चन लिखे हुए थे हमारे लिए क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं। अच्छा आप लोगों के पास तो क्वेश्चंस भी नहीं है। हाँ ये पॉइंट है आप लोगों के पास कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है
और मैम आपको आपके क्वेश्चन लिखे हुए थे, हमें क्वेश्चन भी लिखने लिखने हैं। यस पॉइंट है, देखो देवांश के पास बिल्कुल पॉइंट है। ओके नाउ सेकंड देखो बेटा, सेकंड पैरा जो है उसके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। सी दिख रहा है बेटा फर्स्ट का, फर्स्ट का चित्र दिखा सबको, मिस्ट के मिस्ट तक है, दिखा? यस मैम। ओके सबका हो गया यहाँ तक? नो मैम, मैम बाकी है मैम, आप तो थोड़ा छोटा करो ना, नहीं दिख रहा। अच्छा आप दिख रहे हैं, मैम मैं तो एग्जाम में ऐसे लिखू ना जब आप लोगे कि हम मुझे जैसे स्कूल में लिखा है, क्योंकि मैं मुझे पैकेज ऐसा ही लिखा है। हाँ बेटा सेम यही है आंसर, गुजरात बोर्ड में एक ही आंसर होता है। और इफ यू नो मैंने आपको हमेशा बोला है लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, कि आपको बिल्कुल भी ऐसे मतलब वर्ड टू वर्ड लिखना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इफ यू नो द कंसेप्ट, इफ यू नो द स्टोरी वेल, सो यू विल राइट योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, राइट? बट हाँ ये है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है, और इंग्लिश में मैथ्स जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं कैसे, कि अगर आप कॉन्सेप्ट के इधर उधर कर दोगे, मैथ्स में भी होता है कि अगर आप ग्लिनियन मेथड को भी इधर उधर कर दोगे तो आपके आंसर नहीं निकलने वाले, ठीक है? वैसे ही इसमें भी होता है, अगर आप ग्रामर को इधर उधर कर दोगे तो आपका जो बोलना है, आप बोलना क्या चाह रहे हो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, ठीक है? सो ये बात बिल्कुल सेम वैसी ही होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बाकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज रखनी है, ठीक है बेटा? मैंने भी यहाँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज की है। ओके नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पे। यस मैम। हाँ देखो सभी लोग ले रहे हैं ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करने वाले हैं इसका नेक्स्ट, तो आपको ये नहीं हो कि पता नहीं है आंसर, ठीक है? कोई देने भी नहीं वाला फिर आंसर आपको बाद में, इसलिए अभी आप लोग सब भी आलसी नहीं करोगे, लेजी नहीं करोगे। वैसे तो मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे हो आप, मेरे हो तो सब लोग कर रहे हो। मैम मैं कब से सोच रहा हूँ कि आपने इतना सारा कैसे लिख लिया। बेटा लिखना पड़ता है अभी क्या करे, मैंने सिर्फ आप लोग की वो स्टोरी पढ़ी और थोड़ा बहुत सोचा, और 10 मिनट्स मैं बता रही हूँ, मेरी क्लास खत्म हुई 2:15 को, और उसके बाद मैंने जो लिखना स्टार्ट किया आप लोगों के लिए वर्कबुक में पूरी वर्कबुक खत्म हो गई। ओके ना, सो पूरी मतलब आप लोगों का फर्स्ट लेसन ही हुआ है, सेकंड के लिए मुझे टाइम चाहिए। ओके मेंस रिलेशनशिप के लिए ओके ये हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। गुड बेटा। ओके नाउ देख लो यहाँ थोड़ी सी राइटिंग मेरी, वेट कहाँ थे हम लोग? यस ये हो गया ना, यहाँ थोड़ा सा राइटिंग आपको मेरा इधर उधर होगा, देख लेना। मैम थर्ड वाले में ठीक से नहीं दिख रहा क्या लिख, मैम ऐसा हो सके तो आप थर्ड एक बार हाँ मैं वापस भेज दूंगी, थर्ड वाला वापस भेज दूंगी मैं पूरा लेकर वापस, मुझे पिक्चर भी लेनी पड़ेगी इसलिए। ओके अच्छा ये हो गया बेटा? यस यस मैम। ओके गुड नाउ नेक्स्ट देखो ये अच्छा आप दिख रहा है थर्ड पूरा? यस मैम। यस हाँ हाँ थर्ड वाला लिया था मैं, भूल गई खुद ही। ओके थर्ड इज डन नाउ। ओके सो ये देखो मैम बाकी है, मैम 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 बाकी है, मैम बाकी। मैम थर्ड वाले में क्या लिखा है एक बार आप रीड करोगे? द वर्ड इज इन द स्टैंजा फॉर मेकिंग कंप्लीटली वेद इज ड्रेंच। ओके अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज और समझा दूं, वेट ये वाला जो आंसर था थोड़ा मेरा मिस्ड हो गया, मतलब थोड़ा मैंने रॉन्ग थोड़ा सा हो गया था मुझसे, तो मैंने इसका जो सही आंसर है ये इस वीडियो में लिखा जाता है आंसर टेक्स्ट में, तो मैंने यहाँ लिखा है देख लो, द वर्ड केस कैड एज अ वर्ब मींस टू वाटरफॉल इन सीरीज। ओके ओके बेटा मैम पूरा नहीं दिख रहा, आप कट कट के आउट करो ना, ठीक है दिख रहा है अभी? यस मैम। यस मैम डन। All of you done?
यस ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो मैम हमें वो कास्केड वाला नहीं लिखना है ना नहीं नहीं लिखना है बेटा वो वाला मैंने एक्चुअली मिस किया था इसलिए आपको लिखना है बेटा ये आंसर मैंने टेक्स्ट के जरिए लिखा है आप बहुत बहुत मेहनत से लिखा है मतलब जो द वर्ड है ना वो मैंने टेक्स्ट करके लिखा है पिक के अंदर ठीक है हाँ ओके मैम लिखा सबने ले लिया ये yes, मैम इसके बाद वाला दिखाना तो ये वाला देखो सभी हाँ जो ये वाला है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तक देखो मैम थर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा एक बार रीड करो ना हाँ मैं बता रही मैं वही बोला देखो मेरे 10 मिनट्स में आप लोगों को राइटिंग थोड़ी ऐसी मिलेगी ओके देखो द वर्ड रिटर्निंग यू इज यूज टू इंडिकेट हाउ फोर्सफुली एंड With destructive strength, the storm front returns beginnings in the storm. Okay? Okay, beta? Yes, ma'am. Now, okay. next, dekho, jaldi se. Humare paas bahut kam time hai, beta. Jaldi, jaldi sabko karna hai. Ma'am, baaki ek baar dikhao. Kaun sa baaki hai, wo wala? Yes, ma'am. Haan, jaldi karo, kyunki humare paas, dekho, 4 o'clock, yehi karte karte ho gaya hai hamara. Jaldi karo. फिर हम लोग कब हमारा सेशन स्टार्ट होगा पूरा ले लिया ओके डन ओके बेटा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी मैम हम एमसीक्यू के बाद सारे क्वेश्चन आंसर है तो कंटिन्यू करें तो चलेगा हाँ बेटा एमसीक्यूज के बाद ही आपको कंटिन्यू करने हैं नोटबुक में ठीक है ओके अच्छा ये हो गया यहाँ तक सबका यस मैम हाँ सो बता दिया करो है ना अगर हो जाए तो ताकि हम लोग नेक्स्ट करें देख लो लास्ट क्वेश्चन देख लो मैम डन डन मैम एक मिनट मैम एक मिनट हाँ हाँ लैंडस्केप का ये क्वेश्चन देखो जल्दी से बेटा पहले फोर्थ देखो फिर थर्ड अच्छे से दिखाऊंगी फिफ्थ वाला अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि वो पिक में नहीं आ रहा ठीक है सो ये थर्ड पहले फोर्थ देखो फिर फिफ्थ देखेंगे मैम डन ये वर्कबुक आप लोगों को करनी है ओके हम लोग ये वर्कबुक से ही स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पर जितने भी आप लोगों के स्कूल्स हैं वो सारे इसी वर्कबुक को यूज करते हैं ठीक है और एग्जामिनेशन के लिए भी हमारे पास यही एक है जहां पर हम ये क्वेश्चंस को ये लोग मॉडिफाई करके पूछेंगे लेकिन इसी में से आ रहा है ठीक है जी ठीक है सबने देख लिया फिफ्थ वाला यस मैम यस ओके नाउ अब है मैच द कॉलम देखो सभी All of you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको ये करना है ओके पूरे से कॉलम बनाकर सबको लिखने हैं ठीक है बेटा मैम एक हुआ बेटा ये नो मैम यस मैम हो गया ओके सो नेक्स्ट अभी लेने वाले थे हम लोग बट नेक्स्ट हम लोग नहीं करने वाले हैं अभी आप लोगों को वन ही करना है ठीक है सो अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगों के पास 10 मिनट्स हैं ठीक है 10 मिनट्स में पूरा नहीं करना है मेरे जैसा आप लोगों को 10 मिनट्स के अंदर ये एमसीक्यूज अभी रेडी करने हैं ठीक है सो एमसीक्यूज फटाफट रेडी करो फिर हम लोग वापस आज एक गेम खेलने वाले हैं एमसीक्यूज पर ठीक है मैम लिखना है मैम लर्न मैम लर्न लर्न नो लिखना बेटा अभी लिखना बहुत टाइम है आप लोगों को ठीक है ये ऐसा क्यों आ रहा है योर
यू आर द होस्ट, ऐसा क्यों आ रहा है? मैम जिसने लिंक बनाई फिर मैम वो ज्वाइन होता है, फिर मैम वो होस्ट बन जाता है तुरंत। कौन है ये? ओके ओके बेटा चलो जल्दी से आप लोग स्टार्ट करो एमसीक्यूज करना। 10 मिनट से देखते हैं 10 मिनट्स में आज कौन पॉइंट गेन करेगा। सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। देखो मैंने आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं बोला है, मैंने आप लोगों से सिर्फ ये बोला है बेटा एमसीक्यूज करो, ठीक है? सो एमसीक्यूज तो आप लोग कर ही सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है? स्टार्ट करेंगे सभी। चलो स्विच ऑन करो कैमरा, सभी स्विच ऑन करो बेटा। आई एम नॉट आस्किंग फॉर सो मेनी टाइम फॉर स्विच ऑन द कैमराज, ओके मैम? पर हम एल्बम्स में बाहर जाए, एल्बम्स में बाहर जाएंगे तो वीडियो अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया है ना। देखो ये लैक ऑफ पॉइंट रहता है आप लोगों का, देखा? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो तो इसका एक लैक पॉइंट बैक पॉइंट भी है। बैक पॉइंट क्या होता है कि आप लोगों की स्क्रीन गायब हो जाती है ना? सो इसीलिए बेटा लिखा पढ़ी करना पड़ेगी, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ऐसे शॉर्टकट नहीं होगा रोज, समझ रहे हो कि रोज मैम हम शॉर्टकट करेंगे, ऐसा नहीं होगा रोज रोज, है ना? सो देखो शॉर्टकट के बेनिफिट्स नहीं होते हैं। हाँ बेटा हेचरी बोलो। मैम मैंने आपको चैट में एक मैसेज भेजा है, प्लीज पढ़िए ना। ओके फाइन। ऐसे बन बेटा, बट फाइनल जो रहेगा आपका उसमें तो है ना आपको ये चैप्टर, है ना? ऐसे बन तो टर्म वन का फाइनल ही होता है ना। अच्छा ये तो आपका टर्म वन का फाइनल होगा, तो उसमें आप ये बोल रहे हो कि मुझे सेकंड ही आ रहा है इस बुक से और कुछ नहीं आ रहा है? मैम आपका सिलेबस मिल गया है उसमें सिर्फ सेकंड चैप्टर ही है। तो आपका सिलेबस अलग है हेचरी? मैम हमारे स्कूल में 2 बुक है इंग्लिश की, उसमें से इस बुक में से सिर्फ चैप्टर 2 ही है और दूसरी बुक में से है दूसरे चैप्टर। तो दूसरी बुक कौन सी है आपकी? मैम स्टार वर्स। आप एक काम करो, आपकी जो बुक है ना उसका कॉन्टेक्स्ट मैम को भेजना, उनको लिखना कि सेंड इट टू द मोहिनी मैम, ओके बेटा? कॉन्टेक्स्ट जो है मतलब नेम्स जो है ओनली, तो वो आप भेज देना, ठीक है मैम को, सो दैट आई विल सी व्हाट टाइप ऑफ चैप्टर्स यू हैव। ओके सो अभी आप लोग क्या करोगे एमसीक्यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे तो आपके क्यूट क्यूट से फेस देखने पड़ेंगे, तो अभी आप एमसीक्यूज के लिए क्या करने वाले हो? बताओ ये कौन है होशियार एकदम इंटेलिजेंट, कौन है ये? मैम तो मुझे अभी लेसन 1 करना है इस बुक से अभी जो आपने। नहीं तो बेटा आप एक काम करो, लेसन 2 है ना आपका? यस लेसन 2 है ना, सो लेसन 2 का आप एक काम करो थोड़ा सा रीड करो। लेसन 2 आपने करा होगा ना, तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके बाकी सभी सुन लो, बाकी सभी को करना है अभी एमसीक्यूज। हाँ बेटा नहीं नहीं करना है, ऐसे तो सभी भग जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमको भी नहीं आ रहा है मैम, हम भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, एचडी की बुक अलग है बेटा, उसके पास रीजन है। ओके सो लिसन एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा जल्दी से। चलो टाइम वेस्ट मत करो, 10 मिनट ऐसे ही हो गए हमारे बोलते बोलते, ठीक है? जल्दी से करना स्टार्ट करो फिर हम लोग। बताओ किसके हो गए, कौन है ये इंटेलिजेंट, स्पॉटलाइट में दिखाओ जरा इन्हें, मैं तो देख ही नहीं पा रही हूँ कहाँ है, कौन है? PH कौन है? पार्थ, क्या नाम है इनका? पार्थ नहीं दिख रहे हो बेटा आप, पार्थ नहीं दिख रहे हो। मैं मेरा वीडियो तो ऑन है। नहीं मुझे नहीं दिख रहे हो आप पार्थ, सभी को दिख रहा है पार्थ कहाँ है? यस मैम दिख रहा है। यस मैम, मैम आप उसको स्पॉटलाइट में कर सकते? नहीं नहीं रहने दो। मैम सबके साथ पूछ लेना। यस सबके साथ ही पूछूंगी, गुड बेटा। चलो स्टार्ट करो सभी। मैम आपने जो अभी भेजे थे जो आपने वो कराए थे एमसीक्यूज, मैम उसमें 7th नंबर में रिपीटेशन भी आ सकता है? नहीं रिपीटेशन नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैम उसमें से 2 बार से भी आया। हाँ मेरे को एक्चुअली क्या था, मेरे को भी ऐसा ही लगा था फर्स्ट, फिर मैंने आंसर जब सोचा तो नहीं वो रिपीटेशन नहीं आएगा बेटा, ठीक है? आंसर जो मैंने दिया है ना वही वाला सही है, रिपीटेशन नहीं। मैंने ऑप्शंस दोगे? नो
ऑप्शंस क्यों दूंगी, इतना इजी नहीं है बेटा. ओके थोड़ा सा क्विज खेलेंगे ना तो मजा आना चाहिए आप लोगों को कि अरे मैम बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेलेंगे हम कि फोर फोर ऑप्शंस दे दिए मैंने, वैसा नहीं. आप लोगों को बिना ऑप्शंस के पता होना चाहिए कि नहीं मेरा आंसर क्या होगा, ऐसा. ठीक है, सो इतना आपको डीपली लर्न करना है. एमसीक्यूज ही दे रही हूँ सिर्फ और कुछ नहीं. मैम एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर दिख नहीं रहा है. क्यों भाई बताओ. पर्सनिफिकेशन. यस गुड बेटा, गुड, वेरी गुड. ये वाला ओके ऑल ऑफ यू डन. मैम 2 मिनट जल्दी जल्दी करना है नहीं तो हम खेल ही नहीं पाएंगे. देनी पड़ेगी. क्या बोल रहे हो? अगर आप हमें ऑप्शन दे तो आपको हमें लाइफलाइन भी देनी पड़ेगी. लाइफलाइन तो बेटा आप लोग खुद आपके लिए हो, पता है कैसे? कैसे मैं? याद करके. अगर आप लोगों को स्टोरी मालूम है तो ये आपकी लाइफलाइन है बेटा. ठीक है, और आपकी दूसरी लाइफलाइन क्या है? लोग सब कुछ पढ़ के आते हैं तो याद भी होता है. दूसरी लाइफलाइन क्या है पता है देवांश? दूसरी लाइफलाइन क्या है आपकी? दूसरी लाइफलाइन ये है. आपने एक नंबर का आंसर नहीं लिखा. क्या नहीं लिखा है? एंटीथीसिस. एंटीथीसिस आता है. हेल्पर. यस हेल्पर. सो मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के पास लाइफलाइन कैसी है मालूम? लाइफलाइन ये है कि आप थर्ड टाइम कर रहे हो बेटा, थर्ड टाइम ये लेसन कर रहे हो. सो आप लोगों के पास लाइफलाइन हुई नहीं ये बात की कि हाँ मैम हम लोग थर्ड टाइम ये वाला लेसन कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी तक तो आप सबको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये. सो लाइफलाइन की तो जरूरत पड़नी चाहिए. वो तो हमसे भी ज्यादा 1-2 साल से पढ़ते हैं तभी आते हैं ये बताना शुरू कर दिया एमसीक्यूज में. ठीक है, काफी सारे अच्छे अच्छे आंसर्स देखने के लिए मिले हम लोगों को. सो इसका मतलब ये काफी ज्यादा पार्ट लेते हो, एक्टिव होते हो आप लोग पार्ट लेते वक्त. ठीक है, सो ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है. ये आप लोगों को वार्म अप कर रहा है अंदर से आपके चैप्टर्स के लिए. ठीक है, सो ये बहुत अच्छी बात है. चलो अभी सिर्फ 2 मिनट्स हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा गेम. मैम डन. आपने 10 मिनट दिया था. 10 मिनट हो गए मेरे बोलते बोलते. मैं तो तब से बोले ही जा रही हूँ आप लोगों को करना है. अब इसके बाद हम लोग एक और रख रहे हैं, वो है ट्रू फॉल्स का रहेगा. ठीक है, जल्दी जल्दी करो. तो ये मत सोचना कि जिसको अभी इसमें चांस नहीं मिला वो ट्रू फॉल्स में क्या करेगा. ठीक है, सो ट्रू फॉल्स में आपको चांस मिलेगा जो लोग पार्ट नहीं ले पाएंगे अभी. और अगर मैं ट्रू फॉल्स में भी उसको चांस नहीं मिला तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा मैक्सिमम वर्ड पावर्स का स्टैंजा एलाबोरेट करने का, क्वेश्चन आंसर्स का. ये मत सोचो कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत ऑप्शन है. मैम हाँ बेटा. मैम ये आपने आप जो 11th नंबर का पूछोगे तो हम कैसे आंसर दे ऑल ऑफ दिस बोल दे. बिल्कुल नो नो. देखो कल भी सुनो, कल भी लिसन, कल भी ऐसा हुआ था 8th CBSE वालों का हमने लिया था तो उसमें भी ऐसे बहुत जगह ऐसा था ऑल ऑफ दिस और इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े जो आंसर्स थे ना ऑप्शन में बहुत बड़े बड़े थे. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वर्ड्स में वो क्या करा, उन्होंने अपने वर्ड्स में उन्होंने बेटा उस चीज को क्रिएट किया. मतलब रीजन मुझे मालूम है 3 और मैं उसको अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ, ऐसा. रीजन बिल्कुल वही है बट अपने वर्ड्स में बोल रहे हैं ऐसा. हाँ बेटा. हाँ यस बेटा बोलो. मैंने जो फोटोज लिया है ना वो सारे ब्लर आए हैं तो मैं ऑनेस्टली देखूंगा. ये कौन सा रीजन हुआ कि मैम ब्लर आए हैं सो नहीं हो पाएगा? अरे मैम सच्ची में मैंने फोटो लिया ना तो सारे ब्लर आए. सो अब क्या है, किसी के पास है आइडिया, बेस्ट आइडिया इस चीज का हम क्या कर सकते हैं? किसी के पास कोई आइडिया है? और मैम आप चैट में आंसर देवांश का. देवांश का ऑप्शन है.
दिवांश को छोड़ के, दिवांश को छोड़कर कौन बताना चाहेगा कि हाँ मतलब हमें ये ब्लर आई है फोटो तो अब हमें ये करना चाहिए? चलो आप लोग की माइंड एक्टिव करो, आइडियाज लगाओ। मैं आपने जो फोटो भेजे है ना वो जूम के चैट में भेज दो, क्लियर नहीं मैम, मैम ताकि वहां से तुम लोग आंसर देखते रहो, है ना? बहुत इजी है, बहुत इजी। हाँ बेटा हाँ बोलो। मैम एग्जाम में पहला चैप्टर आ गया है तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो आता है, वही मैं बोल रही हूँ कि आपका ऑप्शन लाइफलाइन यही है आप लोगों की बेटा, कि आप लोग ये देखो ये दिखा दिया काव्या ने, काव्या ने दिखाया देखो पूरा। यस चलो अभी टू जो है, अब 2 मिनट्स खत्म हो गए हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के राउंड्स रेडी है? सभी क्वेश्चन राउंड करने के लिए रेडी है? ऑलवेज रेडी, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। टाइम दे दीजिए क्योंकि 2 ही मिनट बाकी है, राउंड फिगर रखते हैं 4:10। देवांश किसको चाहिए 2 मिनट्स? 2 मिनट्स हु वांट? मैम देवांश को। ओनली देवांश, ओनली देवांश को चाहिए 2 मिनट्स, और किसी को नहीं चाहिए? मैम देवांश मांग रहा है, और किसी को नहीं चाहिए, मेजॉरिटी देखो और मेजॉरिटी है ही नहीं बेटा। चलो सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके सभी बुक्स और जो भी आप लोगों का फोन उसमें आप लोगों की गैलरी से बाहर आ जाओ, और उसके बाद में स्विच ऑन करो मैम। 2 मिनट गैलरी से बाहर आ जाओ और सभी लोगों को स्विच ऑन करने हैं कैमरास, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। सभी अपने स्विच ऑन करो कैमरास। यस बेटा मैम 2 मिनट दो, क्यों क्या हुआ? 2 मिनट चलो, 2 मिनट हो गए बेटा ऐसा करते करते। वेदांत स्विच ऑन योर कैमरा, रुद्राक्ष, पार्थ, देवांश, हर्षवर्धन, पार्थ एंड वेदांत। अरे हाँ मैम। जील चलो बेटा ऑन करो कैमरा, ऑन ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। सभी अपने क्यूट क्यूट से फेसेस दिखाएंगे। यस गुड, वेरी गुड, यस यस देवांश, पार्थ, डू इट बेटा, यस डू इट देवांश। क्या हो गया, ऑन कर दिया मेरा? यस देवांश, यस गुड बेटा, सो दैट्स योर स्पिरिट नाउ, स्टूडेंट स्पिरिट्स, गुड। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सभी एक दूसरे पे नजर रखना, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए सभी के जो, हाँ इफ यू नो द आंसर ओनली रेज योर हैंड, ओके? हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जूम पर जहाँ पर आप रेज कर सकते हो हैंड्स, ओके? वहां पर आपको हैंड रेज करके बताना है दैट यू नो आंसर, ओके? नाउ हाँ व्योम, लेट मी आस्क फर्स्ट, देन यू विल रेज योर हैंड, ओके? ओके नाउ सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो हमने डिसाइड किया ही नहीं, कौन पॉइंट्स लिखने वाला है इस बार, कौन पॉइंट्स लिखेगा? आप ही लिखोगे? मैं लिखता हूँ। नहीं नहीं मैं दे रही हूँ, कौन लिखेगा, मैं काम दे रही हूँ उसको, वो लिखेगा इस बार। मुझे लगता है कि वेट हेट्री, ओके बेटा हेट्री काम करो आप, ऐसा नहीं है सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा बेटा, सबको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब आज याद रखना, आज हेट्री को मौका मिला है, कल कोई और लेगा, ओके? तो लीड करने का सबको मौका मिलेगा। हाँ बेटा पॉइंट्स लिखने में मजा ही नहीं आता, बुक लो पेन लो लिखो सबके नेम्स के नीचे पॉइंट्स लिखो, उससे नहीं नहीं क्यों, आप हेट्री से पूछो लीड करने में कितना मजा आता है, पॉइंट्स देने में कितना मजा आता है, कि हम मैम के साथ पॉइंट्स दे रहे हैं सामने वाले, ठीक है? पॉइंट्स बोलोगे वो ही देगी, वो तो डिसाइड नहीं करेगी किसको कितने पॉइंट मिलेंगे, वो जस्ट थोड़ी ना है। बट देखो बेटा ये ऑनेस्टी के ऊपर भी रहता है ना, ऑनेस्ट अगर आप हो तो ऑनेस्टी भी आपकी दिखती है कि आप कितना ऑनेस्ट हो क्लास वालों के साथ, ठीक है?
सो आप जैसे ही वो कोई बोलेगा 5 points तो हेडशी उसको 5 points देगी. सो ये उसकी ऑनेस्टी है कि वो लिख रही है पॉइंट्स, ठीक है. और आप लोगों का बेनिफिट है, आप लोगों का बेनिफिट क्या है, ये आपको टेस्ट में काम आएंगे ये पॉइंट्स, ठीक है. ओके ना, चालू करते हैं. यस, नाउ हम लोग ये हमारा वार्तालाप खत्म करें. यस, नाउ क्वेश्चन इज, लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आई एम द थंडर, इन द ब्रैकेट आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. आई एम, मैं वापस पढ़ रही हूँ, आई एम द थंडर, ठीक है. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, स्टार्ट करो बोलना, स्टार्ट करो. इफ यू नो द आंसर ओनली रेज योर हैंड. यस, हु, काव्य, वेरी गुड, मायत्री, रुद्राक्ष, व्योम एंड पार्थ. सो स्टार्ट से करते हैं. यस काव्य, यस मैम, पर्सनिफिकेशन. व्हाट हैपन, एक जन बोलो. यस पर्सनिफिकेशन बोल रहा है. यस, इज योर आंसर पर्सनिफिकेशन. यस मैम, मैंने पर्सनिफिकेशन बोला. हाँ, सो यस हेट्री गिव हिम 5 points. वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई देना चाहेगा इसका आंसर? ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको पॉइंट्स. नहीं नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल बेटा. ये फ्री स्टेज होता है बेटा, लिसन, ये एक फ्री स्टेज है जहाँ पर ये नहीं है कि आपको पॉइंट्स उसको मिल गए तो मैं क्यों बोलूं, ठीक है. हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मौका नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है. सो बोलो बेटा, कौन बोलना चाहेगा वापस इसका आंसर? आप सही है कि गलत वो मत बोलो, आप लास्ट में बोलो. ओके, यस मायत्री बेटा बोलो, क्या होगा इसका आंसर बेटा? पर्सनिफिकेशन. और यस यश, यस बेटा, यस पर्सनिफिकेशन. यस अभिमन्यु, मैम पर्सनिफिकेशन. वेरी गुड. व्योम, मैम पर्सनिफिकेशन. रुद्राक्ष, पर्सनिफिकेशन मैम. ओके गुड, नाउ लेट्स गो फॉर द अदर क्वेश्चन. अदर क्वेश्चन इज, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वाटर डांस? ये तो मुझे बोलना है मैम, इस बार मुझे मौका मिलना चाहिए. यस अभिमन्यु, अभिमन्यु. मैम थॉमस लॉकर. ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? याद रखना अभिमन्यु ने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है. यस वेदांत, यस वेदांत. थॉमस लॉकर. यस यश, थॉमस लॉकर. रुद्राक्ष, थॉमस लॉकर. व्योम, थॉमस लॉकर. और पार्थ, थॉमस. ओके, हेचरी गिव टू द फर्स्ट पर्सन अभिमन्यु 5 points. यस गुड बेटा. हाँ हाँ बोलो देवांश, बोलो. आप इन सबसे बुला रहे हो, इन सबको 5 points तब मिलने नहीं वाले. नहीं नहीं नहीं, तो बेटा देखो ऐसा परसेप्शन कभी लेकर नहीं चलना चाहिए. पता है आप लोगों को, ये आप लोगों का क्या है, रिवीजन है, राइट. अगर किसी को आंसर नहीं मालूम होगा, ये 5 times सुनकर उसे याद हो जाएगा कि हाँ ये आंसर था, ठीक है. इन द केस कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, सो आपको ये जरूर याद आएगा कि मैम ने ये क्वेश्चन हमको खिलाया था गेम में, ठीक है, हमको प्ले किया था हमारे साथ. सो तब सभी ने, हमने भी आंसर बोला था, भले हमें वो पता नहीं है, पर अभिमन्यु ने बोला, उसके बाद किसी और ने बोला, फिर मुझे पता चला ये आंसर ये. सो ये सोचो कि आपका रिविजन हो रहा है, ठीक है. सो ये रिविजन है, और आप लोग ये जरूरी नहीं कि यार मुझे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो मैं क्यों बोलूं, ये एटीट्यूड नहीं रखना है आप लोगों को. ये फ्री स्टेज है, यहाँ सबको बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है. सभी बोलेंगे यहाँ पे, सभी इक्वल रहेंगे. ओके ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आई ब्लाइंड द स्काई, आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग. Identify the figure of speech. Identify the figure of speech. Who wants to give? Yes, my three, beta. Bolo. Personification. Yes, yes, Kavya.
मैम पर्सोनिफिकेशन. एनी अदर? यस यश बेटा. यस पर्सोनिफिकेशन. यस देवांश. पर्सोनिफिकेशन. वेरी गुड. व्योम. पर्सोनिफिकेशन. वेरी गुड. सभी पार्ट ले रहे हैं. यस पार्थ. पर्सोनिफिकेशन. यस अभिमन्यु बेटा. मैम पर्सोनिफिकेशन. गुड. वेदांत. पर्सोनिफिकेशन. यस रुद्राक्ष. मैम पर्सोनिफिकेशन. यस हर्ष. यस बेटा हर्ष. मैंने मैम कुछ कहा ही नहीं. सो बेटा आपको पता है कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन योर कैमरा हर्ष. उसका नेटवर्क इशू रहता है, उसको सुना ही नहीं दिया होगा. हाँ तो प्लीज आप प्लीज एक बार हर्ष के लिए क्वेश्चन पढ़ो बेटा. आई ब्लाइंड द स्काई आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. पूरा सेंटेंस बोलो बेटा. बोल. आई ब्लाइंड द स्काई विद लाइटनिंग. अरे भाई हर्ष बोलो बेटा. इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से हर्ष? नो मैम आंसर नहीं आप. ठीक है. यस काव्या. काव्या देवांश आप लोग गाइड करो क्या है बेटा आंसर. पर्सोनिफिकेशन. बोलो बेटा हर्ष. बोलो बेटा क्या होगा आंसर? अभी काव्या देवांश ने बताया. पर्सोनिफिकेशन. 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 फिर से बोलो बेटा. पर्सोनिफिकेशन. वेरी गुड. सो पता चला आपको बेटा इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? यस यस पर्सोनिफिकेशन. ओके गुड. सो इस तरीके से आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो बेटा. ओके ओके नाउ कम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई अबव द अर्थ इज द ब्लू स्काई. High above the earth is blue sky. Identify the incorrect figure of speech. Incorrect figure of speech. सुना सबने जो क्वेश्चन है उसे रिपीट कर रही हूं मैं. High above the earth in the blue sky. Identify the incorrect figure of speech. Incorrect figure of speech बताना है. Yes देवांश बोलो. Antithesis. Yes. और नेक्स्ट कौन ट्राई करना चाहेगा देवांश के बाद? यस मैम मैं काव्या. हाँ बेटा काव्या. मैम एंटीथीसिस इज द राइट. यस पार्थ. एंटीथीसिस. ओके पूरा. यस यश. यस एंटीथीसिस. ओके एंड वेयर इज हर्षवर्धन? यस हर्ष. मैम साइंटिफिकेशन. व्हाट? साइंटिफिकेशन. काव्य गाइड हिम. व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं बोलू व्योम. हाई अबव एंटीथीसिस इज द आंसर. बेटा रिपीट करो हर्ष बेटा. हाई अबव एंटीथीसिस आंसर. एंटीथीसिस. ओके गुड. ट्राई करना बेटा हर्ष. ठीक है. ओके यस अभिमन्यु बेटा. बार बार में मैम एंटीथीसिस. हर्षवर्धन माइक म्यूट कर. ओके व्योम. यस व्योम बेटा कैमरा ऑन करो. मैम एंटीथीसिस. कैमरा स्विच ऑन करो बेटा. कैमरा थोड़ी देर पहले बोल रहा था बाद में खुद कर रहा है. यस वेदांत बोलो बेटा आंसर. एंटीथीसिस. ठीक है. किसने आंसर सबसे पहले दिया था उसे 5 मार्क्स दो बेटा. मैम आप नाम बोलोगे? सबने बोला. देवांश. देवांश ने. ओके नाउ नेक्स्ट इज समटाइम्स. नहीं ये वाला नहीं बोलना है अभी मुझे. अभी ये लास्ट के लिए बचा के रखा है हमने. ओके I grow ever wider, broader and deeper. I grow ever wider,
broader, and deeper. Okay, identify the figure of speech. I grow ever wider, broader, and deeper. Identify the figure of speech. कौन बोलेगा इसका आंसर? बहुत हार्ड है, पर आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से बहुत इजी होगा जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत इजी होगा. यस यस बेटा, स्विच ऑन योर कैमरा एंड टेल द आंसर. मैम क्या था क्वेश्चन? मैंने सुना नहीं था. क्वेश्चन है बेटा, आई ग्रो एवर वाइडर, ब्रॉडर, डीपर. Identify the figure of speech. Personification. और क्या हो सकता है बेटा इसमें? बहुत सारी चीजें. मैं बोलू काव्य. मैम टॉटोलॉजी. मैम कहना है अभिमन्यु. मैम ड्यूटोलॉजी और इंटरनल रायम. म्यूट योर सेल्फ, ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ. लेट मी स्पीक. ठीक है, अभी यश ने सिर्फ एक बताया है, पर्सनिफिकेशन. ठीक है, सो अभी सिर्फ एक ही बताया हुआ है उसने. सो यस, वियोम को ट्राई करने देते हैं. वियोम बोलो बाकी के दो क्या होंगे. मैम टॉटोलॉजी, बिकॉज़ द ऑपोजिट वर्ड्स ब्राइडर एंड ब्रॉडर आर यूज्ड. नहीं बेटा, बाकी के दो फिगर ऑफ स्पीच बताओ पर्सनिफिकेशन के बाद. मैम मैं बोलू? मैम टॉटोलॉजी और एंटिथेसिस. नहीं, इंटरनल राइम. इंटरनल राइम. यस, सो इंटरनल राइम किसने बोला अभी? इंटरनल राइम मैम काव्य. मैम मैंने. काव्य ने. और किसने? मैम रुद्राक्ष. रुद्राक्ष ने. और लास्ट एक और बच्चा हुआ है. लास्ट एक और बच्चा है. यस देवांश, पर्सनिफिकेशन हो गया है बेटा. मैम तीन ही थे. यस मैम, टूटोलॉजी भी हमने बोला. ठीक है, सो अभी इनको 5-5 मार्क्स मिलेंगे. बोले तो हमें पॉइंट्स नहीं, ऑल ऑफ थ्री मिलेंगे, लेकिन जिसने एक एक भी बोला है ना उसको भी मिलेगा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तीनों फिगर ऑफ स्पीच नहीं, फोर्थ ऑप्शन ने सीधा बोल दिया ऑल ऑफ थ्री, तो चलेगा? नहीं नहीं, ऑल ऑफ थ्री नहीं बेटा, ये आना चाहिए सबको यहाँ. मैंने एक बोला था, क्योंकि देखो ऑल ऑफ थ्री में क्या होता है बेटा कि किसी को समझ में नहीं आएगा. यहाँ जिसको आंसर नहीं आ रहा है उसको ये नहीं पता चलेगा इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है. ठीक है, सो ऑल ऑफ थ्री वही सोचेगा ऑल ऑफ थ्री है शायद कोई जो स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, सो ये फिगर ऑफ स्पीच निकालना जरूरी है आप लोगों को. ठीक है, सो एक एक ये जो ये इसने काव्य ने बोला, और किसने बोला था फर्स्ट? मैम रुद्राक्ष. ठीक है, दो बेटा इनको मार्क्स दो. मैम सबको 5-5. हाँ 5-5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सभी ने जो फिगर ऑफ स्पीच दिया है वो बिल्कुल सही दिया है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज growing heavier, growing darker, returning. Identify the figure of speech. Growing heavier, growing darker, returning. Identify the figure of speech. Yes, रुको, आप किसको मौका नहीं मिला है? कोई ये सोच रहा होगा मैम 4:25 हो गए, मुझे एक भी मौका नहीं मिला है अभी तक. So, ऐसा कोई है जिसे मौका नहीं मिला है अभी तक बोलने के लिए आंसर? मैम पास. वेट, मुझे किसी को शौर्य. हु इज शौर्य? हु इज ज़ील? स्विच ऑन योर कैमरा बेटा. मैम शौर्य हमारे बैच में नहीं है. सीबीएसई वाले. मैम बीएसई. वेट ओके, ज़ील. यस ज़ील. Zeal, switch on your camera. Vedant, switch on your camera, beta. CBSE वाले उनका time हो गया. नहीं नहीं, अभी time नहीं हुआ है, 4 minutes बाकी है बेटा, उसके बाद होगा. हाँ, so कौन दे रहा है answer जिसे मौका नहीं मिला है अभी तक? Yes, रुद्राक्ष को मिल गया, अभिमन्यु को मिला है, पार्थ को भी मिला है. मैं बोलूँ काव्य? Yes, Maitri, बोलो बेटा. Yes, ma'am. Repetition, tautology and internal rhyme. Repetition and no beta. मैम एंटिथेसिस जाएगा. No, 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 no.
मैम रिपीटेशन आएगा लिसन लिसन मायत्री बेटे आपका ऑप्शन बोलो क्या क्या बोला आपने रिपीटेशन टॉटोलॉजी एंड इंटरनल रैम बेटा और इसमें टॉटोलॉजी नहीं आएगा बेटा ओके मैम टॉटोलॉजी नहीं आएगा ठीक है सो दो जो है वो सही दिए हैं थ्री मार्क्स देना मायत्री को ठीक है चलो और हर्षवर्धन यस हर्ष यस बेटा हर्ष आपने क्वेश्चन सुना बेटा क्या था क्वेश्चन नहीं सुना अभिमन्यु हेल्प हेल्प हिम बेटा अभिमन्यु कौन सा क्वेश्चन था अभिमन्यु हेल्प हिम मैम मुझे क्वेश्चन नहीं आता पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर रेज हैंड किया हुआ है बेटा आपने यहाँ पे मैं बोलूं का नहीं है मैम ओके हु वांट्स टू हेल्प हिम हु वांट्स टू हेल्प हिम यस काव्य Yes, Kavya, help him, both of him, help him. Yes, ma'am. Growing heavier, growing darker and returning. Yes, correct. So, आपको समझ में आया question? Abhimanyu and Harsh. सुना बेटा question? Okay. अभी इसका identify करना है figure of speech. Okay. हाँ. So, Devansh, इसका answer दो. मुझे भी पूरा नहीं आता. मैं बोलूँ काव्या. कौन? Who wants to give answer? मैम रिपीटेशन टॉटोलॉजी और एक इंटरनल रायम टॉटोलॉजी नहीं था ठीक है अभी हाँ नहीं रुको टॉटोलॉजी नहीं है सही है सो हर्षवर्धन बेटा बोलो एक ऑप्शन क्या था इन्होंने क्या बोला एक ऑप्शन बोलो बेटा एक मिनट मैम आप पहले तो आप एक जगह खड़े हो जाओ बेटा उसके बाद बात करो आप ऐसे घूम रहे हो इधर उधर आपका कोई एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर आप बैठे हो ठीक है क्लास सभी बैठे हुए हैं अपने अपने जगह पर क्या बोला सुना आपने क्या था क्वेश्चन काव्य ने बोला उसका आंसर भी दिया है काव्य ने फिगर ऑफ स्पीच का बोला आपने बेटा नहीं मैम क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है कटिंग हो रहा है मैम उसका नेटवर्क इश्यू है ओके अभिमन्यु बोलो बेटा क्या था आंसर मैम इंटरनल राइम और मैम दूसरा बोलूं यस ऑफ कोर्स बेटा मैम रिपीटेशन एंड इंटरनल राइम ओके ओके नाइस ठीक है सो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हमारा टाइम खत्म हो रहा है नेक्स्ट है हमारा कौन देगा नेक्स्ट का है स्ट्रोम्स कम स्ट्रोम्स पास Identify the figure of speech. ये तो बहुत इजी है इतनी देर से हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच बहुत इजी है अभी तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच Who wants to give रुद्रा Yes, रुद्राक्ष बोलो बेटा Personification. और personification के बाद Antithesis. हाँ Antithesis. Yes, yes, good, good. और मैं और एक और बच्चा है बेटा मैं काव्य बोलू मैं काव्य बोलू मैम रिपीटेशन तो सभी सभी रिपीट करो आंसर क्या था फिगर ऑफ स्पीच का बेटा इसमें personification मैम personification antithesis and repetition सभी बोलेंगे हर्षवर्धन अभिमन्यु और कौन है यहाँ पे यश एंड वेदांत बेटा रिपीट करो आंसर क्या है रिपीट करो बेटा आंसर रिपीटेशन एंटीथेसिस एंड पर्सोनिफिकेशन वेरी गुड रिपीटेशन एंड ओके ओके सो आज आप लोगों ने काफी एक दूसरे का हेल्प किया है ओके हेचरी हमें बताओ सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसने गेन किए हैं अभी आज हम रुद्राक्ष काव्य रुद्राक्षण वेरी गुड वेरी गुड बेटा तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है ये आप लोग का जो क्योंकि वो लोग बीच में बोल बोल करते रहते हैं पॉइंट मिल जाते हैं देखो बिल्कुल देखो आप लोगों ने आज बहुत हेल्प की
लिसन लिसन लिसन, आप लोगों ने आज बहुत कमेंडेबल जॉब, ये था एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ये था कि आज आप लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की। देखा आप लोगों ने, किसी किसी को बन नहीं रहा था आंसर, किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, सो आप लोगों ने उसे रिपीट करा, उसे हेल्प किया है, ठीक है। सो यही हेल्प और यही नेचर आपका रहना चाहिए लास्ट तक, ठीक है। हेल्प करते रहनी है आप लोगों को एक दूसरे की। अच्छा, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, लिसन नाउ, हमारा होमवर्क आप लोगों को समझ में आया, क्या क्या होमवर्क है? यस मैम, जो मैम लिखना है, ये जो आपने आज वर्कबुक ली है इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। वर्कबुक को आप चाहो तो बिल्कुल इसको लर्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लिख लिख के याद करो, ठीक है, कैसे भी याद करो, लेकिन आपको ये लर्न करना है। जब हम नेक्स्ट मंडे या फ्राइडे, आप जब भी हमारी क्लास लगेगी, जब भी हम मिलेंगे, तब हम लोग ये वाला चैप्टर वापस रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। रिपीट इन द सेंस, इस बार आप लोगों का एक बहुत अलग सा एग्जाम होगा, ठीक है। सो उसी वक्त आपको रिजल्ट भी मिल जाना है, ठीक है। और आप लोग करोगे एक दूसरे की हेल्प, यहाँ पर कोई एक दूसरे को जज नहीं कर रहा है, यहाँ पर सभी आप एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अभी तब तक के लिए सीबीएसई वालों को आने देते हैं। चलो बाय मैम, बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय बेटा, बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय बेटा, बाय, बाय मैम। Bye ma'am, have a nice day.